एक शेर हिरण का शिकार करता है, गरजता है। शेर जब हुंकार भरता है, शेर जब गर्जना करता है ना, तो जंगल के पशु पक्षी छिप जाया करते हैं। आवाज हो शोरगुल हो जाया करता है कि जंगल में शेर आ गया है। ध्यान रखिए, एक गर्जना होती है शेर की, भयभीत हो जाता है जंगल। एक गर्जना की उस शेर ने सारे मृग भाग गए छोड़कर, अपना भोजन अपने घास का तिनका छोड़कर के। एक को पकड़ लिया शेर ने, गर्दन पकड़ ली, प्राण विहीन होने को तैयार है, तड़प रहा है हिरण। दो मुनिराजों का आगमन हो जाता है। मुनियों को देखा शेर ने, मुंह में हिरण है, हिरण की गर्दन है। मुनि ने कहा, हे वनराज, ये क्या करते हो? उसने कहा, क्या करता हूं, ये मेरा भोजन है, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा नेचर है, मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुनियों ने कहा, शांत हो जाओ वनराज, शांत हो जाओ। कुछ नहीं बोला मुनि ने, ज्यादा उपदेश नहीं किए। पुलक सागर की तरह 22 दिन भी गला फाड़ा, 10 दिन भी गला फाड़ा, तुम वैसे के वैसे ही ध्यान नहीं। मुनि ने कहा, शांत हो जाओ वनराज। रुक गया थोड़ी देर को, करुणा क्रूरता वाले दांत धीरे धीरे करुणा में बदल गए। मुनियों ने कहा कि वनराज, ये क्या करते हो, तुम कौन हो मालूम है? तुम वनराज नहीं, तुम भविष्य के जिनराज हो। जिनराज क्या होता है? ये जिनराज, अरे जिस मुंह से आज तुम हिंसा कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, ध्यान रखना, इसी मुंह से एक दिन तुम्हें जी और जीने दो का संदेश देना है। इसी मुख से तुम्हें अहिंसा परमो धर्म की जयकार लगाना। इतना सुना भगवान, मुनियों ने कहा, तुम भगवान बनोगे? भगवान, मैं भगवान बनूंगा? मैं शेर कैसे भगवान बन सकता हूं? हर आत्मा भगवान बन सकती है, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की ताकत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू पापी है, तू अदम है, तू नीच है, तू हिंसक है। मुनियों ने कहा, हे भगवान आत्मा, भविष्य के भगवान, आज यह काम कर रहे हो। इतना सुनता है वह सिंह की मैं भविष्य का भगवान, मुख से मृग छूट जाता है, मृग दौड़कर भागता है। शेर ने दोनों हाथ जोड़े मुनि के, मेरा कल्याण कैसे होगा? आंखों से झरझर आंसू, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनियों ने कहा कि वनराज, ये हिंसा करना छोड़ दो, किसी को सताना छोड़ दो। शेर ने थोड़ी देर मुनियों को देखा, थोड़ी देर अपने को देखा, मैं छोड़ दूं? अरे मनुष्य के पास तो ऑप्शन होता है ना, मांसाहार छोड़ के शाकाहार कर सकता है, जानवर क्या करेगा? मुनियों ने कहा कि शांत भाव रखो, तुम्हारे जीवन का लंबा समय नहीं है, थोड़ी सी जिंदगी है। थोड़ी सी जिंदगी? बोले हाँ, मांस और जीवों को मारने का त्याग करो वनराज। मालूम है कहानी आपको मालूम है। और उसने मुनि से अणुव्रत स्वीकार कर लिए, ना मांस खाऊंगा, ना किसी की हत्या करूंगा। शेर मांस खाना छोड़ दे, मालूम है जंगल में घूमता, सूखे पत्ते खाता, झरने का पानी पीता, उसके पास तो छन्ना नहीं था कपड़ा छानने का। अणुव्रति हो गया वह सिंह, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, महीनों भूखा रहता है, शरीर सूख जाता है, कंकाल हो जाता है, नहीं खाऊंगा मांस, नहीं पीऊंगा अनछना पानी, झरने का ही पानी पीऊंगा। संकल्प लेकर देह का विसर्जन करता है, स्वर्ग में जाता है, और वह शेर आने वाले भाव में भगवान महावीर बनकर के खड़ा। तो ये संयम की महिमा है, महावीर बन गया शेर।